अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने महानगर के थाना नागपनी अंतर्गत मोहल्ला बंगला गांव निवासी स्वर्गीय राजेंद्र के परिवार पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि मोहल्ले के ही पिंटू सैनी, राजा एवं छोटेलाल आदि ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के घर में घुसकर उनकी बेटी व उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर मारपीट की तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गालियां दी। यह भी आरोप है कि हमलावरों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। थाना नागपनी पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एसएसपी को पेश किए गए ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग उठाई गई है एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग भी की गई है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के मंडल अध्यक्ष आनंद राही एवं पीड़ित महिला गुड्डी ने बताया, इस मौके पर महिला समाज के कई नेता मौजूद रहे। बुड्डी जी, आप कहाँ से आई हैं? बंगला गांव चार खंभों के पास से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, मैं बागड़ को गई, घर में घुसकर आधे चौके मारे पिंटू ने। उसकी समझ में मैं बोली क्या होया, कुछ नहीं। फिर उसके जी राजा आया, राजा के घरवाली सब ने आए एकदम से इकट्ठे होकर 10-15 लोगों ने मुझे रास्ते में घेर को मारा और कहते लड़की को पकड़ूंगा तेरी, उठवाऊंगा, बलात्कार करूंगा और मेरी लड़की घर में घुसकर इन्होंने छेड़खानी की। पिंटू और राजा कौन है आपको? पिंटू सैनी है, कहकर बोलता है, और राजा जाटे वो हमारी भी। और उनने हम उसको लड़के को ले में लेके उससे धमकी देकर मुझे पिटवाया। आपके ही मोहल्ले के? मेरे मोहल्ले के पड़ोसी। ऐसा क्यों करते हैं लोग? रहना तो सब करते हैं। 5 दफे पहले 5 महीने हो गए जब भी इन्होंने चढ़ाई करी, उसके बाद भी अब भी चढ़ाई इन्होंने। वजह क्या है? वजह क्या है पता नहीं इनकी, वजह क्या क्या दुश्मन आ गई जो मुझे रहने नहीं देते। रिपोर्ट दर्ज कराई? मैंने कुछ नहीं कराई, अब कराई मैंने 29 तारीख को। आज आप किससे मिले थे? 29 तारीख को कराई थी मैंने। आज आप किससे मिले थे यहाँ आए थे? अब सीओ साहब के पास गई थी। क्या मांग करी आपने, क्या चाहते हैं? उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जो धमकी देते हैं, आंखों में डराते हैं, जब देखते हैं जब ही घुर्रा कर मार लेते हैं। मेरा नाम आनंद राही, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा मंडल अध्यक्ष। क्या समस्या है आज जो आपने ये प्रार्थना पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है? समस्या यह है कि ये गुड्डी जी हैं, इनकी बेटी के साथ अत्याचार किया है, झगड़ा किया है, मारपीट किया है, बदतमीजी की है पिंटू नाम के लड़के ने, और अपने आगे वो सैनी लगाता है, सैनी है, जिससे कि आज भी वो धमकियाँ दे रहा है और पुलिस इस विषय को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि उन पर एस सी एक्ट लगे और एस सी एक्ट के साथ साथ उनको जो है धारा जो भी लगती है आगे की, जो उसने छेड़छाड़ की है, लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, उसने घर में घुसा है, वो अंदर वीडियो उनके पास है, उसके बाद जो है उनको जेल भेजा जाए और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है वो की जाए।